हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 9th ऑफ अक्टूबर 2021। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं अगर हमारे कल के लेटेस्ट वीडियो के बारे में, तो हमने जो है इलेक्ट्रिक सेक्टर की गुड कंपनी के बारे में बात की थी, जिसने जो है यहाँ पर आपके पैसे को 1 ईयर में 2 गुना किया। उसके अलावा टाटा मोटर्स और टाइटन कंपनी में बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली, उसके बारे में डिस्कशन। और केमिकल सेक्टर का बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और 10 ईयर्स में पिछले आपका पैसा जो 150 गुना किया। और फ्रेंड्स, बहुत ही हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो एक मिड कैप स्टॉक था, हाई क्वालिटी, जिसमें जो म्यूचुअल फंड का रजिस्टर और ट्रांसफर एजेंट है। तो अगर फ्रेंड्स आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो कैपिटल क्लाइंबिंग चैनल सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिलती है जेन्यून और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जिससे जो आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट को एनहांस कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि एक तरीके से बहुत ही बढ़िया कंपनी थी पिछले कुछ सालों में, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, उसके बिजनेस में इतना डाउनग्रेड आया। और फ्रेंड्स, अभी उसमें मुझे टर्न अराउंड की सिचुएशन दिखाई दे रही है और आज के दिन जो उसमें उसके रिजल्ट आउट हुए, तो चलिए फ्रेंड्स उसका जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर कंपनी के कॉन्सोलिडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, जो कि क्वार्टर एंडेड September 30, 2021 के। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फिगर्स प्रेजेंट किए गए वो इंडियन रुपीज़ लैक्स में, यानी कि इन लैक्स इन इंडियन रुपीज़ में है। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं तो हम September 30, 2021 को जो कंपेयर करेंगे June 30, 2021 के साथ। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप की यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है, यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर डिटेरियोरेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं किसी कंपनी के लिए, तो उसका जो मेन एक तरीके से इनकम होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, यानी कि कंपनी जो अपना ऑपरेशन रन आउट करती है वहाँ से कितनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, उसको यहाँ पर कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाई दे रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20,718.72 लाख की। और यहाँ पर बात करते हैं जून क्वार्टर में, तो वो दिखाई दे रही थी 15,402.10 लाख की, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया जंप दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर एक तरीके से अदर इनकम के बारे में, तो वो दिखाई दे रही है 47.25 लाख की। और यहाँ पर जून क्वार्टर में वो दिखाई दे रही थी 141.63 लाख की, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन उससे कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अदर इनकम में बहुत थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन रहता है, लेकिन मेनली जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से यहाँ पर जो कंपनी अपने बिजनेस को रन करती है वहाँ से इनकम यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर टोटल इनकम के बारे में, तो वो दिखाई दे रही है 20,765.97 लाख रुपीज़, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर सेम क्वार्टर पिछले साल की, तो यहाँ पर जो एक तरीके से दिखाई दे रही है एक इनकम 17,228.23 लाख रुपीज़ की, यानी कि यहाँ पर जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, उसके अलावा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत ही बढ़िया इजाफा दिखाई दे रहा है, जिससे जो यहाँ पर पता चलता है कि कंपनी जो अपने फाइनेंशियल पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है और कंपनी का बिजनेस भी जो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ दूसरे एक्सपेंसेस की बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सपेंसेस में मेन एक्सपेंस एक तरीके से जिसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा फाइनेंस कॉस्ट, यानी कि कंपनी ने जो पैसे बोरो किए वहाँ पर जो उसको इंटरेस्ट का पे आउट करना होता है उसी को फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट जो एक तरीके से नील दिखाई दे रही है, यानी कि कंपनी जो एक तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर डेट फ्री दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी पे ऐसा कोई बर्डन नहीं है इंटरेस्ट पे आउट का, और वो एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पर इतनी छोटे लेवल की कंपनी भी एक तरीके से डेट फ्री है, तो आप उसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो मैंने आपको पहले भी बताया कि टर्न अराउंड की सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर उसके फाइनेंशियल में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज दिखाई दे रही है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं अगर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड में यहाँ पर दिखाई दे रही है एक तरीके से सितंबर क्वार्टर में 2,670.68 लाख रुपीज़। और फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बात करते हैं जून क्वार्टर में, तो वो दिखाई दे रही थी 2,329.30 लाख रुपीज़, यानी कि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ दिखाई दे रही है यहाँ पर रेवेन्यू में। उसके अलावा यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं, तो फ्रेंड्स वो पिछले साल सेम क्वार्टर में दिखाई दे रही थी 2,545.15 लाख रुपीज़ की,
यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं तो उसमें भी बड़ा इजाफा दिखाई दे रहा है जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। यानी कि फ्रेंड्स इसे डेफिनेटली पता चलता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती है, और वह बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि ऐसी टाइप की कंपनी को तो डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। और यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और उसके अलावा भी कंपनी में यहाँ पर टर्न अराउंड दिखाई दे रहा है, और उसके पास अभी बिजनेस भी मुझे दिखाई दे रहा है। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कंपनी के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर बेसिक ईपीएस के बारे में तो वो दिखाई दे रहा है 25 पैसे, और डाइल्यूटेड ईपीएस भी 25 पैसे का सितंबर क्वार्टर में। अगर जून क्वार्टर की बात करते हैं तो वो सिर्फ था 22 पैसे का। यानी कि बेसिक ईपीएस में भी यहाँ पर नॉमिनल सी इंक्रीमेंट दिखाई दे रही है, और वो मेनली यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबली इंक्रीजिंग होने की वजह से दिखाई दे रही है। और उसके अलावा यहाँ पर सेम क्वार्टर पिछले साल की बात करते हैं तो वहाँ पर 0.24% रहता है। यानी कि यहाँ पर भी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पर ईपीएस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि आपको टोटली विजिबल है, या माइन्यूट सा भी बढ़ता है लेकिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी हिसाब से बढ़ती है, इसलिए ईपीएस में इतना इजाफा दिखाई दे रहा है और वो एक बहुत ही बढ़िया बात है। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पर लेकर के आया हूँ कंपनी की बैलेंस शीट पे, और आपको यहाँ पर एक आइटम भी दिखाना चाहता हूँ जिसमें जो यहाँ पर एक तरीके से नील दिखाई दे रहा है। यानी कि फ्रेंड्स फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ में बोरोइंग्स की बात करते हैं तो कंपनी के पास अभी किसी भी टाइप का कोई बोरोइंग्स नहीं है, जिसकी वजह से जो कंपनी की फाइनेंशियल कॉस्ट नील आ रही है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी को जो जितना बिजनेस होगा उस पर इंटरेस्ट के बेसिस पे कुछ भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने कुछ बोरो करके नहीं रखा है। और आप अगर डेट फ्री कंपनी गोतना चाहते हैं यहाँ पर ढूंढना तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से टोटली डेट फ्री कंपनी है। उसके अलावा उसके बिजनेस में भी अभी टर्न अराउंड दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे बात करते हैं तो कंपनी में जो यहाँ पर बढ़िया सा दिखाई दे रहा है एक तरीके से यहाँ पर देता हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। और आपको मैंने पहले भी बताया कि कंपनी में टर्न अराउंड की सिचुएशन भी चल रही है, जिससे जो डेफिनेटली कंपनी को यहाँ बहुत ही बढ़िया एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिला। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं यहाँ पर कंपनी के प्रेजेंटेशन पे, और कंपनी ने यहाँ पर जो रिजल्ट के साथ ये प्रेजेंटेशन बताया नेक्स्ट जनरेशन वाकरंजी केंद्र के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर एक ई कॉमर्स टाइप कंपनी है और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करती है। सो फ्रेंड्स ये अपने केंद्र के जरिए यानी कि एक तरीके से आधार केंद्र जैसे ओपन किए, इसी टाइप से जो यहाँ पर वाकरंजी केंद्र को ओपन किया है, और वहाँ पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज ले सकते हैं। और उसने जो यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की एटीएम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स बहुत सारे बैंकों के एटीएम से आप जो उसके यहाँ पर वाकरंजी का एटीएम लगाते हैं और वहाँ से आप उसको जो पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया सर्विस है। उसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है जो कि बहुत ही बढ़िया है, और उसकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के साथ टाई अप है, यानी कि बहुत ही बढ़िया एक मॉडल वो लेकर के आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर ई कॉमर्स के बिजनेस में भी वो इंक्लूडेड है, यानी कि बहुत सारी बड़ी कंपनियाँ ई कॉमर्स की उसके साथ भी यहाँ पर बिजनेस करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर वो एटीएम कैश की सर्विस आपती है, विड्रॉल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की भी यहाँ पर एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके अलावा यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र कर देती है, उसके अलावा लेड जनरेशन और ऑफ पोस्टल होम्स और बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बहुत ही डिफरेंट टाइप का पोर्टफोलियो। उसके अलावा यहाँ पर इंश्योरेंस जनरल हेल्थ और एक तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ LIC भी प्रोवाइड करती है, लाइफ इंश्योरेंस वाली। और उसके अलावा यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक में NSDL का पेमेंट्स बैंक और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है, यानी कि एक तरीके से बहुत ही बढ़िया और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर डिफरेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स साइट्स के बारे में तो उसमें जो यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग्स ऑफ गुड्स, ऑनलाइन शॉपिंग्स ऑफ ज्वेलरी और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके अलावा यहाँ पर एक तरीके से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ मेडिसिन और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर ब्रांच के साथ कोलोब्रेशन करके इसी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और वहाँ से जो कमीशन के तौर पर रेवेन्यू जनरेट करती है, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बिजनेस दिखाई दे रहा है। उसके अलावा मोबाइल DTH रिचार्ज हो गया, बिल पेमेंट, ई मित्रा सर्विसेज इन राजस्थान में स्पेसिफिकली प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बस टिकट और एक तरीके से IRCTC के ट्रेन बुकिंग की टिकट और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लाइट और होटल की बुकिंग उसके जो यहाँ पर एक तरीके से उसको इंक्लूड करती है सर्विसेज में, और बहुत ही बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करती है। और बिग आर्ट के जरिए जो यहाँ पर ऑनलाइन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, यानी कि बहुत ही बढ़िया एक तरीके से प्लान लेकर के आई है और अभी करंटली वो एक तरीके से एक्टिव है, और उसमें भी यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रहा है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं।
अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर पूरा उसका जो देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको जो यहाँ पर वाकरेन जी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी मुझे अभी बहुत क्वालिटी गुड लग रही है और यहाँ पर उसका टर्न अराउंड मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप की कंपनी आपको पूरे मार्केट में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बहुत ही बड़े ब्रांड्स के साथ यहाँ पर कोलोब्रेशन है। उसके अलावा भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अंडर वन रूफ, यानी कि आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस टाइप से जो डिफरेंट टाइप ऑफ वाकरेन जी केंद्र को ओपन करती है और उससे जो आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है, यानी कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर भी एक तरीके से एम्प्लॉय भी मिलेंगे और वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो आपको डेफिनेटली बैकिंग ऑफिस का भी सपोर्ट रहेगा। तो कंपनी के पास बहुत ही बढ़िया एक तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मार्केट में। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं तो कंपनी का जो यहाँ पर बताया गया फोकस ऑन बिल्ड पान इंडिया प्रेजेंस कवरिंग 100% पोस्टल कोड, यानी कि 100% पोस्टल कोड को कवर करने का यहाँ पर पान इंडिया प्रेजेंस करने का कंपनी का प्लान है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्वार्टर टू की बात करते हैं 2021-22 की, तो यहाँ पर 13,200 प्लस आउटलेट्स है और यहाँ पर 28 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज में उसकी प्रेजेंस है। 560 प्लस से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में उसका जो यहाँ पर ऑपरेशन रन आउट होता है और 4,860 पोस्टल कोड को इंक्लूड करती है और 70% टायर 5 और 6 के सिटीज़ को यहाँ पर इंक्लूड करती है, और वो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी का मेन फोकस रूरल एरिया और उसी टाइप के सेमी रूरल में यहाँ पर उसका दिखाई दे रहा है, और वो एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर उतनी रीच नहीं है एक तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज की, जिससे जो कंपनी का बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है और कंपनी का बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बड़े सिटी और मेट्रो सिटीज़ में ही अपना बिजनेस को रन आउट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसको जो कॉस्ट कम होती है और उसके अलावा यहाँ पर जो है एक तरीके से कस्टमर बेस भी अच्छे से यहाँ पर ग्राफ्स कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी रूरल एरिया में भी डिजिटाइजेशन के युग में दिखाई दे रहा है एक तरीके से बूम, तो उससे जो डेफिनेटली कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है और उसके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अभी कंपनी ग्राउंड पे बना चुकी है और उसको भी आगने वाले सालों में बीट करना बहुत ही मुश्किल होगा। और 2025-26 का यहाँ पर उसका प्लान दिखाई दे रहा है 75,000 प्लस आउटलेट्स यहाँ पर ओपन करने का, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है 19,000 प्लस पोस्टल कोड उसको जो यहाँ पर एक तरीके से टारगेट बनाया गया। उसके अलावा 36 टेस्ट और यूटी में अपना जो है प्रेजेंस को बनाना, यानी कि पूरे का पूरे इंडिया में अपने को जो है उसको जो है यहाँ पर प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रही है। और अभी बात करते हैं 700+40 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर उसको अपने जो यहाँ पर एक तरीके से ऑपरेशंस को स्केल अप करना है और 70% टायर 5 और 6 को जो कैप्चर करना है, वो एक बहुत ही बढ़िया बात है। सो फ्रेंड्स अभी जो है बहुत ही बढ़िया कंपनी दिखाई दे रही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, और आपको बताया कि यहाँ पर किस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही थी और किस टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। सो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली कंपनी की वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं NSE की वेबसाइट पे और वहाँ पर जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर किस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही है कंपनी के स्टॉक प्राइस पे। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं NSE की वेबसाइट पे और आपको यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है वाकरेन लिमिटेड, और ये डेट है 8 अक्टूबर के प्राइस की बात करें तो 43 रुपीज़ और 70 पैसे का यहाँ पर कंपनी के स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप कंपनी के चार्ट को एनालाइज करना, पिछले कुछ सालों में जो कंपनी के स्टॉक ने 400 के लेवल को भी टच कर लिया था, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें बहुत बढ़िया ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है, और उसकी मेन वजह जो आपको बता दी कि उसमें जो बहुत ही डिटेरियोरेशन हुआ था उसके बिजनेस में, क्योंकि कंपनी के पास इतना बिजनेस ही नहीं बचा था, लेकिन अभी उसमें टर्न अराउंड की सिचुएशन दिखाई दे रही है जो कि आपको टोटली विजिबल है और स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में, तो यहाँ पर दिखाई दे रही है 1,37,45,661 शेयर्स की, और यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है 69,61,842 शेयर्स की, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी है 50.65% की, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है, और उसको जो है मैं यहाँ पर डेफिनेटली मानता हूँ कि यहाँ पर जो बहुत साथी लोग हैं उसको पता था कि कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं, जिससे जो यहाँ पर फिर हाइक भी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप एक स्मॉल कैप कंपनी ढूंढना चाहते हैं और वो भी बहुत ही बढ़िया, तो वाकरेन लिमिटेड आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका होगा, क्योंकि इस टाइप की कंपनी जो आपको डेफिनेटली मार्केट में कहीं भी मिलेगी नहीं, क्योंकि इस टाइप की कंपनी आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अभी करंटली उसमें बहुत ही बढ़िया बूम देखने को मिलेगा फर्दर। सो फ्रेंड्स ये थी एक कंपनी जिसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आज के दिन प्रेजेंट किए गए और उसमें भी बहुत ही बढ़िया टर्न अराउंड की सिचुएशन है और कंपनी भी हाई क्वालिटी है।
सो मैंने आपके साथ ये डिस्कशन शेयर किया। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए फ्रेंड्स कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।